shared? Yes, sir, it is. Yes, sir, shared now. That is, it is page number 364. If you have the book, you can open it physically. Ji. Now, the first question is the conversion of unit. Now, this conversion is between capacity, that is in milliliters, and the volume, that is in centimeter cube. My question is that if I am having 50 milliliter of a liquid, how much volume I required to fill in? Mean, agar mere paas 50 millimeter liquid hai, kitne volume ke andar wo pura aayega? Anybody can answer? 50 milliliters hai mere paas liquid. Aur maine usko kisi कंटेनर में डालना है, तो उसका वॉल्यूम कितना होना चाहिए? 50 सेंटीमीटर क्यूब. शाबाश, 50 सेंटीमीटर क्यूब, दैट्स अ परफेक्ट आंसर. ओके, गुड. अच्छा, जो हमारे घर में यूजुअली यू कैन लुक इनटू द रेफ्रिजरेटर, देयर विल बी अ पैक ऑफ मिल्क्स. तो उस पैक ऑफ मिल्क, अगर एक पैक है 1 लीटर है उसकी कैपेसिटी, तो हाउ मच वॉल्यूम इट इज कवरिंग? 1000 milliliter is equal to 1000 centimeter cube. अच्छा, तो conclusion क्या है after these two examples? What do you conclude? 1 milliliter equal 1 centimeter cube. जी, 1 milliliter is equal to 1000 milliliter. आप ये कह सकते हो कि हर milliliter, जो भी milliliter का number होगा, वो ही centimeter cube का number होगा. यही बात समझ आ रही है ना? जी सर. जी, अच्छा, अब सपोज मेहदी साहब ने अपने फिश मंगवा ली है, ठीक है, और वो एक बड़ा पाउंड बना चुके, तो हम उसके अंदर ये कह रहे हैं कि 1 मीटर क्यूब वाटर है, तो कितने उसके अंदर लीटर्स होंगे? 1 मीटर क्यूब के अंदर कितने लीटर पानी आ जाते? 100 मिलीलीटर. 1 मीटर क्यूब इज अ बिग यूनिट सर. 10 लाख. जी, 10 लाख सेंटीमीटर स्क्वायर. ये 10 लीटर. देखिए बात सुनो, 100 लीटर. 1 मीटर क्यूब के अंदर आपके पास 1 मिलियन सेंटीमीटर क्यूब है, वो एक अलग बात, पर मैं जो बात कर रहा हूँ दैट इज अ सेपरेट. मैं कह रहा हूं अगर मेरे पास एक वाटर टैंक है जिसमें मैंने फिश रखनी, उसके अंदर कितने लीटर पानी डालना पड़ेगा टू फिल इट अप? इफ आई हैड वॉल्यूम ऑफ 1 मीटर क्यूब, हाउ मच और हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड टू फिल इट कंप्लीटली? 100 लीटर्स. कैन यू सी वेयर आई एम पॉइंटिंग? Yes, sir, 1000 liter. जी, तो आपको ये क्यों नजर नहीं आ रहा? ये तो आपके सामने लिखा हुआ था. चलें, आप गौर से चीजों को देखें. You have to. मुझे लगा मीटर है, तो इससे बहुत कंफ्यूज. मैं बड़ा कर देता हूँ शायद. आप ठीक नजर आ रहा होगा, ठीक है? आप सही है? ओके. सर, वो रुक गया था सर, बाद में पता चला कि कोई इंटरनेट का मसला हुआ. तो सर आप क्या कह रहे थे? मैं सिर्फ क्वेश्चंस कर रहा हूँ रिगार्डिंग वाइवा. ओके सर. जी जी, अच्छा चलें, ये तो हो गया कन्वर्जन ऑफ कैपेसिटी एंड वॉल्यूम. तो तीन बातें की हैं मैंने इसमें टोटल. आई सेड एवरी मिलीलीटर, मीन व्हाट इज द नंबर ऑफ मिलीलीटर इज सेम एज द नंबर ऑफ वॉल्यूम, ठीक है. दूसरी बात मैंने बताई कि 1 लीटर जो होता है लिक्विड, उसके लिए हमें वॉल्यूम चाहिए होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब. तीसरी बात मैंने बताई, 1 मीटर क्यूब जो वॉल्यूम होता है उसके अंदर 1000 लीटर्स आते हैं. ये बात हुई अभी तक, ठीक है, जो क्वेश्चंस के अंदर मैं करना चाह रहा था. अब हम बात करते हैं क्यूब शेप. तो हाउ मेनी एजेस आर देयर इन अ क्यूब शेप? क्यूब शेप में कितनी एजेस होती है सर? 6 एजेस आपके
सिक्स फेसेस होते हैं। सर 12। सर 12। देखिए अब ये जो क्वेश्चन है ना, I'm sorry, ये 2 या 3 क्लास के बच्चे करते हैं, किसी शेप को पकड़ लेते हैं, इसके कितने फेस हैं, कितनी एजेस हैं, कितनी वर्टिसेस हैं, ये 2-3 क्लास में पूछा जाता है, पता है? सर 8 8 सर काउंट हो रहे हैं आराम से। सर तो जो पीछे और नीचे जो होंगे वो भी तो काउंट हो रहे हैं। मैं यही तो पूछना चाह रहा हूं जैन, थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी। मैं ये पूछना चाह रहा हूं, ये जो कॉर्नर्स होते हैं इनको क्या कहते हैं, वर्टेक्स कहते हैं, क्या कहते हैं कॉर्नर्स को, क्या कहते हैं? कॉर्नर्स ही कहते हैं इनको, वर्टेक्स कहते हैं, ठीक है? और कितनी वर्टिसेस हैं इसकी? वर्टेक्स का प्लूरल है वर्टिस। 8। ये तो क्लियर होगी। अब एजेस क्या होती हैं? ये सीधी लाइनें होती हैं। कितनी एजेस आप जरा देखें, यही चीज मैं कह रहा हूँ ना। देखिए ये तो अभी आपने गिना, इट मीन्स कि आपने इसकी प्रैक्टिस नहीं की, इसको आपने प्रैक्टिस करना है। यू हैव टू ऑब्जर्व द शेप, इसमें पूछा क्या जा सकता है? अभी तक मैंने 2 बातें पूछी हैं, तीसरी बात ये होगी कि व्हाट इज द एंगल ऑफ एवरी वर्टेक्स, एंगल क्या होगा हर वर्टेक्स का? एंगल 90 डिग्री। शाबाश, गुड, 90 डिग्री, जज़ाकअल्लाह, गुड आंसर भाई, रियली अप्रिशिएटेड, गुड। अच्छा अब अगली बात पूछता हूँ क्यूब की, व्हाट अबाउट द साइज ऑफ ईच लाइन, व्हाट इज सिग्निफिकेंस? सेम शाबाश शाबाश, बिल्कुल ठीक। अब ये तो बात हो गई, आपको समझ आ गई कि मैंने इस शेप को लेके वाइवा में क्या कुछ पूछ सकता हूँ, क्या है? जी सर। इसी तरह अगली शेप में जी, तो यू हैव टू ऑब्जर्व द शेप एंड देन डिस्कस इट, और इसके लिए लॉट्स ऑफ, वो जो मैथ इज फन एक वेबसाइट है वहां पे चले जाएं, देयर आर लॉट्स ऑफ वेबसाइट, ठीक है? गूगल पे आप डालें आपको 1000 चीजें मिल जाएंगी, ठीक है? और अगर गूगल की समझ नहीं आती, यूट्यूब पे हर चीज वो लोगों ने डाली हुई है, आपको अगर डाउट आता है मुझसे डिस्कस करने के साथ, ये चीज मैं देख रहा हूँ मुझे समझ नहीं आई, आई विल एक्सप्लेन, मुझे भी देखिए लर्निंग हो जाएगी, मुझे पता चल जाएगा बच्चों को ये चीजें दिखाई दे रही। वेन एवर यू आस्क क्वेश्चन यू आर गोइंग टू हेल्प टीचर, ठीक है? आप ये ना समझें कि क्वेश्चन करने से टीचर परेशान होंगे, हाँ कॉल करने से परेशान होता हूँ, मैसेज पे आप मुझे क्वेश्चन करेंगे तो आई बी हैप्पी टू रिस्पॉन्ड, ठीक है? और लेट्स टॉक अबाउट द फार्मूला, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ क्यूब वॉल्यूम? क्या फार्मूला है क्यूब के वॉल्यूम का? एल स्क्वायर। एल स्क्वायर, इसको थोड़ा बड़ा, जी नजर नहीं आ रहा कुछ लोगों को, मे बी सम पीपल आर ऑन मोबाइल, अब आपको ठीक नजर आ रहा है? सर मे बी जो निकला थे सरफेस एरिया, 6 एल स्क्वायर, 6 एल स्क्वायर, व्हाई इट इज 6, व्हाई इट इज 6? बिकॉज देयर आर 6 साइड्स, जी 6 फेसेस, then 6L square means 6 multiplied by L and then square, then we double it. Because you have all the square shape around a cube and they are total in number 6. जो cube है उसके 6 square होते हैं, ठीक है? तो that's why it is 6L square. ठीक हो गया? Now move to next shape. अब बहुत सारी बातें आपको already पता होनी चाहिए। अच्छा How many face this cuboid have? Cuboid? 6. Same. So 6. Okay. How many vertices? So same. 8. Same. How many edges? 12. Same. 12. ठीक है? तो what is the change? क्या change क्या इसमें? What is the difference between cube and cuboid? Sir, cube has all of the equal sides and cuboid has 2 long and 2 parallel lines. You can say there are 2 pair of different parallel lines, is it? Yes, sir. Yes, sir. On one face,
ये मैंने आखिरी बात जो की है इसको पहले देख लें. आई सेड इफ यू टॉक अबाउट द क्यूबॉइड शेप द लाइक द फेस व्हिच इज आई एम लुकिंग एट नाउ दैट इज अ रेक्टेंगल इट हैव टू पेयर ऑफ पैरेलल लाइन सेम विल गो टू अदर फेस आल्सो. ठीक है इट इज अप्लाइड अराउंड द शेप. ठीक है ओके व्हाट अबाउट द फार्मूला सर लेंथ मल्टीप्लाई बाय वेट मल्टीप्लाई बाय हाइट. जी इट इज अ प्रोडक्ट. आप कह सकते हो कि तीनों लाइनों को मल्टीप्लाई कर दें तो वॉल्यूम आ जाता है क्यूबॉइड का. अगर मैं ये कहूं द फार्मूला ऑफ क्यूब एंड क्यूबॉइड आर सिमिलर क्या मतलब वॉल्यूम का फार्मूला दोनों का सिमिलर है क्यों. सेम नहीं कहा मैंने, मैंने कहा सिमिलर सर क्योंकि इसमें भी लेंथ ब्रेथ और हाइट है उसमें भी थी लेकिन उसमें हमने तीन दफा कर दिए थे इसमें हम दोनों डिफरेंट कर लिए. तो हूर सम टाइम यू गिव मी अ रियल ब्रिलियंट आंसर मैं बड़ा खुश हो जाता हूँ ऐसे मैं आसमान पे पहुंच जाता हूँ. पर सम टाइम यू आस्क मी अ जीनियस क्वेश्चन तो एकदम से मैं जमीन से भी आगे निकल जाता हूँ. बट आई एम हैप्पी यकीन से मुझे तहूर ने खुश कर दिया. आई एम हैप्पी ब्रिलियंट आंसर बिल्कुल सही बात की है कि इन बोथ केसेस वी मल्टीप्लाई ऑल द थ्री लाइंस द डिफरेंस इज क्यूब हैव ऑल द थ्री लाइंस सेम सो वी टेक द क्यूब डायरेक्टली बट इन क्यूबॉइड वी हैव डिफरेंट लेंथ ऑफ लाइन तो वी कैन मल्टीप्लाई देम इन अ सेपरेट मैनर. तो बिल्कुल ठीक है. ओके व्हाट अबाउट द सरफेस एरिया पहले मुझे क्या होता क्या है सर. सरफेस एरिया होता है सर हर एक लेंथ बेस जो हाइट मल्टीप्लाई हो रही है और फिर ऐड हो रही है और फिर टू से मल्टीप्लाई हो सर आई गेस जो एरिया जो कवर्ड हुआ है. जी जी बिल्कुल. सपोज हम एक शॉपिंग सेंटर में सारी क्लास तशरीफ ले गए सम यू मार चले गए. ठीक है सर कितनी जगह लेता है. जी जी बिल्कुल बिल्कुल. अब हम काफी करीब आ गए. सरफेस एरिया इज द एरिया कवर्ड बाय दैट शेप फ्रॉम एक्सटर्नल यू कैन सी आउट. जैसे आप जाते हो जैसे हम चले गए यू मार्ट और हमने वहां पे जाके सपोज एक जो गैजेट्स हैं वहां पे चले गए सपोज एक मोबाइल है तो उसकी जो पैकिंग पड़ी होगी एक रेक्टेंगुलर और क्यूबॉइड शेप में पड़ी होगी. जी सर. तो वो जो सारा डिब्बा है उसका दैट इज बेसिकली द सरफेस एरिया ऑफ दैट पर्टिकुलर पैकेज. जिस पे फॉर एग्जांपल के एक मैथ बॉक्स आपने अपने बैग में डाला तो वो कितनी स्पेस टोटल लेगा. जी उसकी जो आउटर सरफेस है जी नहीं प्रिज्म की बात नहीं होगी. ठीक है सही है जी. सरफेस एरिया इज द आउटर सरफेस ऑफ एनी बॉक्स. ठीक है इन इन शॉर्ट चलें लेट्स मूव टू द नेक्स्ट शेप. वी विल नॉट टॉक अबाउट प्रिज्म वी विल गो डायरेक्ट टू सिलेंडर. सिलेंडर ठीक है. बट अगर मैं थोड़ा सा इसको गाइड कर दूं ना प्रिज्म कोई चेंज शेप नहीं है. प्रिज्म में और हमारे नॉर्मल वॉल्यूम में आपको याद है कि मैंने जनरल फार्मूला बोर्ड पे लिखता था डेली बेस एरिया इनटू हाइट फॉर 3D शेप्स. किसी को याद है. वॉल्यूम ऑफ एनी शेप इज कैलकुलेटेड बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लाइंग बेस एरिया इनटू हाइट. तो अगर जब भी कोई बेस एरिया हाइट से मल्टीप्लाई होगा वो प्रिज्म बन जाए. ठीक है प्रिज्म में सिग्निफिकेंस ये है कि वी हैव मोर देन द बेसिक शेप. जैसे ये आपको गिवन है तो ये कौन सा है ये कौन सी पॉलीगॉन है. हेक्सागॉन छह कॉर्नर्स है. पॉलीगॉन है ना. हमने पॉलीगॉन शेप के जी हमने पॉलीगॉन शेप के नाम अप टू 10 ठीक है देखा हुआ है. वी विल स्टार्ट फ्रॉम ट्रायंगल. ठीक है ओके तो लेट्स टॉक अबाउट सिलेंडर. इसको भी हम देखें तो इसका बेस एरिया क्या है. सर्कुलर सर्कल बेस है ना. इट इज और हाइट इसकी एच है तो फार्मूला विल बी वॉल्यूम इज पाई आर स्क्वायर एच एंड सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर. जी टोटल सरफेस एरिया दैट इज टोटल सरफेस एरिया. देखें 2 पाई आर स्क्वायर ऊपर और नीचे वाला सरफेस और 2 पाई आर एच उसका कर्व्ड सरफेस जो ये गोलाई है.
किसी ने पूछा जी सर पूछिए बेटा, पूछ लिया करें ऐसे, मुझे हाथ जाके देखना पड़ता किसने रेज की। जी पूछिए बेटा कि वैसे गलती से लग गया। मैम सर मुझे मैंने बेटा पहले पूछना था कि सर की जो डेडलाइन होती है यह हाई कैसे जम करती है ना। जी जो डॉटेड लाइन थी क्वेश्चन है प्रिज्म के बारे में भी आएगा। You know, a prism is not part of the syllabus, but generally, जब भी आपका एक बेस एरिया इज मल्टीप्लाई टू हाइट तो आप उसको एज अ प्रिज्म शेप ले सकते हैं, ठीक है। हमने प्रिज्म्स को एज अ होल नहीं पढ़ा, ठीक है, तो आपको उसको इतना ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत नहीं, ठीक है। अब हम बात करते हैं सिलेंडर की, लेट्स टॉक अबाउट द वॉल्यूम ऑफ एक प्रिज्म। इस तरह भी होते हैं ना वो बेस हाइट प्रिज्म, किस तरह करके कुछ उसको कहते हैं। तो लेट्स टॉक अबाउट द प्रैक्टिस नाउ। तो कैन यू कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ बी पार्ट? Can you see B part of this particular exercise where I am pointing? Yes, sir. Okay, please. Sir, exercise volume. ये बेटा exercise to 14C है, ठीक है? हाँ ठीक है, ये सारा नजर आ रहा होगा आपको 14C और I am talking about B part. You need to calculate volume and total surface area. तो अगर हम ये कर लेते हैं तो I will hope के you people have understood the discussion which we have like we had in this first part of the lesson.